पारा शिक्षकों को सरकार की तरफ से मिली बड़ी सौगात। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार अपनी 2 वर्ष पूरी करेगी और इसी दिन राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को सरकार एक बड़ी सौगात देगी। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान निर्धारण को लेकर सोमवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि झारखंड बिहार के मॉडल को हूबहू अपनाएगा। पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर अस्थायी तौर पर नियुक्त कर उन्हें उसी रूप वेतनमान दिया जाएगा। 29 दिसंबर को इसकी घोषणा होगी। बताया जा रहा है, बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में बिहार की नियमावली हूबहू लागू की जाएगी, इसी आधार पर नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। झारखंड की पारा शिक्षक लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान देने पर अंतिम निर्णय इसी साल होगा। उन्होंने 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर इसकी घोषणा किए जाने के संकेत भी दिए। बता दें आपको, राज्य सरकार के इस निर्णय से पारा शिक्षक भी सहमत है। नियमावली का सबसे बड़ा पेज उन पारा शिक्षकों को वेतनमान देने पर है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक सीधे अस्थायी होंगे और उन्हें वेतनमान भी मिलेगा। वैसे पारा शिक्षक जो अभी टेट उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, उन्हें दक्षता परीक्षा देनी होगी। पारा शिक्षकों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। 3 अवसर मिलने के बाद भी यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर वे सेवा में नहीं रह सकेंगे। पारा शिक्षक इसका विरोध चाहे तो कर सकते हैं। पारा शिक्षकों को 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक का वेतनमान दिए जाने की आशा की जा रही है। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षकों को 2400 तथा 6 से 8 के पारा शिक्षकों को 800 ग्रेड पे दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होकर वेतनमान लेंगे, उन्हें 2000 और 2400 ग्रेड पे देने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ हुए इस बैठक में सचिव राजेश शर्मा, विकास आयुक्त, वित्त सचिव और क्रमिक सचिव ने भी हिस्सा लिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब इस विषय पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए और इसमें जो भी आपत्ति होगी उसे छठ के बाद आपस में बैठकर संशोधन करने का निर्णय लिया जाएगा। सरकार के इस रुख से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब पारा शिक्षकों की समस्याओं का जल्द ही निपटारा किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी पारा शिक्षकों को पुनः रोजगार प्राप्त होगा।